أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تَزَوُّ إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا नमाम नामिन शहीद सद्लम ख़वातिन ये पच्चीसवा पारा है इस पारे में जो मजामीन आए हैं उन पर हम एक निगाह डाल लेते हैं इस पारे में पांच सूरतें आई हैं हामिम सजदा शूरा जुहरुफ दुकान और जासिया इस बारे के पहले रुकू में अल्लाह तबरक ने बताया कि अल्लाह ताला ही के पास उस आखिरी सात का इल्म है वही जानता है कि शगुफ़ों से कौन से फल निकले हैं वही जानता है कौन सी औरत हामिला हुई है और किसने क्या जना, जब वाक्य ये है कि सारी चीज़ों का इल्म उसके पास है लोग उसे छोड़कर औरों की पूजा करने लगते हैं और लोगों का मामला भी अजीब है कि जब उन्हें भलाई मिलती है तो वो फूले नहीं समाते और जब अल्लाह ताला उन्हें पकड़ता है तो फिर वो मायूस हो जाते हैं ये दोहरा बिहेवियर इंसान का होता है ये पाँच फ़ीसद मजमून है उसके बाद शूरा शुरू होती है जिसमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने इस कलाम को नाजिल किया और ये एक वॉन्ड करने वाली किताब है इंतज़ार करने वाली किताब है लोग हैं कि इस किताब के मजामीन से सबक नहीं लेते उसके बावजूद वो खुदा के अलावा और शरीकों को ठहराते हैं ये पाँच फ़ीसद ममून है तीसरे रुकू में अल्लाह तबरक ने अपनी निशानियों का जिक्र फरमाया जिसमें बताया कि इंसानों की नस्लों को चलाने का उसने इंतज़ाम किया लहू मखालदावती वलर्द आसमानों ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ उसी के पास हैं और उसने हज़रत नूसम और नबी करीम सल्लल्लाहु करीमल वसल्लम ये दो रसूल हैं उनके बीच में हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा नूसी और हजरत हज़रतम इन सब को दीन का वही तरीक़ा मुकर्रर किया और इन सब को यही हुक्म दिया कि दीन को कायम किया जाए और इस मामले में वो तफरी का शिकार न हो ये पाँच फ़ीसद मजमून हैं फिर जो लोग दुनिया पर मर मिटते हैं उनका तस्करा किया और बताया कि आखिरत में उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है और इसके बरक्स जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं क़ियामत के दिन उनके लिए सदा बहार जन्नतें होंगी जो लोग आज झूठ के तबाह करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हक़ एक न एक दिन गालिब होकर रहेगा यह पाँच फ़ीसद मजमून है रुको नंबर पाँच में अल्लाह तबारक फरमाया कि जो कुछ भी डिज़ास्टर्स या मुसीबतें तुम्हें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है फिर अल्लाह तबरक ने अपनी बाज नमतों का जिक्र किया जिसमें कश्तियाँ समंदर कैसे रवा होती हैं हवाओं को वही चलाता है इन सब में तुम्हारे लिए नशानियाँ हैं और फिर बताया कि जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं उनकी जो ख़ूबियाँ हैं उनकी जो सिफात थी उनका तस्करा फरमाया अल्लाह अला पुरवक् करने वाले असलाह करने वाले माफ़ करने वाले मामलात को शराइत के साथ तय करने वाले वगैरह ये पाँच फ़ीसद मजमून है फिर अल्लाह तबरक तारा ने उन लोगों का जिक्र किया जो आखिरत में नुक़सान उठाने वाले हैं उन्हें कोई मदद वहाँ नहीं मिलेगी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने दौलत भी दी है बच्चे भी दिए हैं तो सब आजमाइशें भी हैं उसकी तरफ से इनाम भी है इन सब से फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहिए लेकिन यह कि इससे आखिरत को फरामोश नहीं करना चाहिए फिर इस सूरत के अख्ताम पर अल्लाह त वही की कस्मों का जिक्र फ़रया फिर उसके बाद सूरज जखरु शुरू होती है जिसमें अल्लाह तबरक ताली ने बेशुमारशानियों का जिक्र फ़रमाया ये पाँच फ़ीसद मजमून है फिर उसके बाद बताया कि इन सब को देखने के बावजूद लोग हैं कि बिल्ला फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते हैं बेटियों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि लड़कियां तो वो होती हैं जो सेवरों में पलती हैं और जब झगड़े का मौका आता है तो वो झगड़ालू नहीं होती वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखती हैं तुमने खुदा के लिए बेटियाँ मुकर कर दी और अपने लिए तुमने बेटों को पसंद कर लिया ये पाँच फ़ीसद मजमून है उसके बाद अल्लाह तआला ने बताया कि कुफ़ार मुशरिकन का ये एतराज़ था कि मक्का और ताइफ के शहर के बड़े लोगों पर नबूत क्यों नाजिल नहीं हुई अल्लाह ताला, ताला ने उसका जवाब दिया जिस पर हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे ये दस फ़ीसद मजमून है फिर उसके बाद अल्लाह ताला, ताला ने बताया कि फ़िरौन ने किस तरह हज़रत अलैहिस्सलाम को किताब करता था ए जादूगर जादूगर वगैरह हालाँकि फिरौन का मामला ये है कि उसने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाया और उसकी कौम उसकी इतवा करती रही यह पाँच फ़ीसद मज़मून है रुकू नंबर बारह में अल्लाह तबरक ताली ने हज़रत ईसा स्लम का तस्करा फरमाया और बताया कि अल्लाह ताली के बरगजीदा बंदे हैं और उन्होंने हमेशा बंदगी ही की दावत दी ये पाँच फ़ीसद मजमून है उसके बाद अल्लाह ताला ने रुकु नंबर तेरह में जन्नत में जाने वालों का तस्करा किया और उनको अल्लाह ताला एड्रेस करेगा उन्हें बताएगा कि तुम जन्नत में पहुंच चुके हो तुम्हारे लिए कोई खौफ और रंज का मुकाम नहीं है उनके लिए जो ऐशरत के सामान होंगे उसमें सोने और चाँदी के बर्तन उनके सामने गर्दिश कराए जाएंगे हर किस्म के मेवे और फल उन्हें मैसर होंगे इसके बरक्स जो जो लोग मुजरिम थे उन्हें सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी वो लोग जहन्नम में जन्नतियों से घिघियाएंगे फ़रिश्तों से भी घिघियाएंगे कि कुछ खाना दे दो कुछ पानी दे दो लेकिन वहाँ अल्लाह ताली की नमतें उन पर हराम हो जाएंगी ये पाँच फ़ीसद मज़मून है उसके बाद सूरह दुकान शुरू होती है सूरह दुखान में रुकू नंबर चौदह पंद्रह और सोलह इसमें बताया कि ये किताब अल्लाह ताली की तरफ से नाजिल करदा किताब है लेकिन उसके बावजूद तुम हो कि अभी भी शक में पढ़े हुए हो खेल कूद में हो आखिरत के मामले में तुम संजीदा नहीं हो जिस दिन आखिरत का साइका आ जाएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा लेकिन उससे पहले तुम्हें तारीख का करना चाहिए फ़िरौन और मूसा की तारीख का करो ये पंद्रह फीसद मजमून है सूर्य जासिया शुरू होती है जिसमें अल्लाह तबरक ने रुकू नंबर सत्रह में यूनिवर्स के बहुत सी नशानियों का जिक्र किया ये पाँच फ़ीसद मजमून है रुकू नंबर अठारह में बताया कि ये किताब पहली मरतबा नहीं है इससे पहले बनी इसराइल को भी हमने किताब दी लेकिन उसकी उन्होंने ना कदरी की तो अल्लाह ताला ने उनसे इमामत का दर्जा छीन लिया अब जो कोई नेकी का रवैया अख्तियार करेगा उसकी भलाई के लिए होगा और जो बुराई का रवैया अख्तियार करेगा उसका वबाल उसी पर है पाँच फ़ीसद मजमून है और आखिर में नंबर उन्नीस और बीस इसमें अल्लाह तबरक खुदाए तआला का भी इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि आखिरत भी आने वाली नहीं है और नबी करीम वसल्लम की नबूवत पर भी उन्हें शक है इन्हें मालूम होना चाहिए कि जरूर बस ज़रूर एक दिन हम हमक़ में इन सब को जमा करेंगे इनके रिकॉर्ड्स इनके हाथ में दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा पढ़ो उस दिन इंसानों के दो ग्रुप्स हो जाएंगे एक जन्नतियों का ग्रुप हो जाएगा एक जहन्नम में जाने वालों का ग्रुप हो जाएगा ये दस फ़ीसद मजमून है खुतिन हजराज ये इस पारे में आए हुए मजामीन का खुलासा था जो मैंने आपके सामने पेश किया अब हर दिन की तरह इस पारे से हम दो इसबाक लेंगे आज का सबक नंबर एक और इस मुबारक का लेसन नंबर फोटी नाइन वो है अल्लाह ताला अपने बंदों से कलाम करता है वही करता है इशारा करता है रहनुमाई करता है उसके दर्जे क्या हैं उन दर्जों का तस्करा आज करेंगे हम और आपके सामने बताएँगे मदारजुसिन नाम की एक किताब है इमाम इबन कईम जाओज़ी रहमतल की उसमें उन्होंने बताया है कि अल्लाह तबरक अपने बंदों की जो हिदायत का सामान करता है उसके दस दर्जे हैं वो दस दर्जे आपके सामने आसान ज़ुबान में इनशा पेश करूँगा बहस पेचीदा है मजमून बड़ा है लेकिन आठ दस मिनट के अंदर इनशाला मैं समेट कर आपके सामने रखूँगा इसमें पहले पाँच दर्जों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आखिर के दो दर्जों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी तीन की मैं इन आपके सामने वजाहत करूँगा स्क्रीन पर आप देखें सूर्य नंबर 42, टू आयत नंबर फिफ्टी वन एंड फिफ्टी टू अल्लाह ने पहली आयत में बताया

कि किसी बंदे की ये शान नहीं है कि अल्लाह ताला उससे रास्त कलाम करे इल्ला ये कि उसकी तरफ वही भेजे या पर्दे की ओट से कलाम करे या उसके पास अपना एक फरस्तादा अपनी तरफ से एक फरिश्ता भेजे और वो खुदा के इज़्न से खुदा जो चाहता है उसकी वही उस पर करता है इन्हू हकीम वो बहुत बुलंद मरतबे वाला है और बड़ी हमत वाला है ख़वात हजरा इस स्लाइड पर देखिए दस दर्जों का ज़िक्र किया गया है लेवल वन ये आसान है तकलीमुल्ला जिसे कहते हैं अल्लाह जिससे कलाम करे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया वो मदीन से मिस्र की तरफ जा रहे थे रास्ते में पहाड़ में एक जगह झाड़ी के पीछे से आग नज़र आई रोशनी नज़र आई जब वहाँ आग लेने गए तो अल्लाह तआला ने खिताब फरमाया, अनल्ला मूसा मैं अल्लाह हूँ और फ़िरौन सरकश हो गया है मैंने तुमको रसूल बनाया है जाओ उसकी इस्लाह करो रिसालत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने रास्त कलाम करके हज़रत मूसा सलाम को दी ये पहला दर्जा है एक और दर्जा वो है अलहीमुत वो स्पेशल रिविलेशन है जो नबियों और रसूलों की तरफ अल्लाह ताला करता है इस वही से मुराद या तो अल्लाह ताला खिताब करता है दिल में बात डालता है इशारा करता है और वर्ड्स में नहीं तो मीनिंग अल्लाह ताला पहुंचा देता है अम्ब्याकरलातलम को बाज़ वो वही आती थी जो तिलावत की जाती थी इसे वही मतलू कहते हैं और वही गैर मतलू वो वही जिसकी तिलावत रसूल्ला ने नहीं की लेकिन अल्लाह ताला ने आप पर वही की कितने उमूर हैं कितने मामलत हैं जो अल्लाह ताला ने आपको रास्त बताए हैं अब आप देख सकते हैं कि नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है कुरान में आपको कहीं उसका तरीक़ा नहीं मिलेगा लेकिन वो अल्लाह ही की तरफ से है इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिन के बारे में बता दिया गया कि कौन कौन मुनाफ़ी है कहीं आपको मुनाफिक की नहीं मिलेगी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के बारे में हजरत मिग़दाद बिन अमर को बताया वरना कहीं आपको फहरिस नहीं मिलेगी लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया था तो वही का मतलब है मफहम समझा देना वही का मतलब है इशारा करना वही का मतलब है कोई ख्याल और कोई बात नबी के दिल में डाल देना डायरेक्टली तीसरा दर्जा है वो है अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है और ये बात बहुत आसानी से हमें समझ में आती है पूरा कुरान हज़रत जब्राई अलैहिस्सलाम लेकर आए दीगर उमूर और दीगर मामलात को फरिश्ते नबियों और रसूलों की तरफ लेकर आते हैं अदाब का फरिश्ता अजाब लेकर आता है और दीगर फरिश्ते दीगर जिम्मेदारियों के साथ वो आते हैं तो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला भेजता है और उनके ज़रिए से अल्लाह ताला अपना पैगाम रसूलों तक पहुंचाता है ये तीसरा दर्जा है ये भी समझने में आसान है चौथा दर्जा तहदीस का है यानी स्पेशल इंस्पिरेशन इसका मतलब ये है कि जिस ज़माने में किसी कौम के बीच रसूल और नबी नहीं आए उनमें बाज बंदगान खुदा ऐसे थे जो मुद थे जो नेक थे अल्लाह ताला उनके दिलों में बातों को डालता था वन अफ़ा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उन्हीं में से एक थे उनके दिल में अच्छे ख़्यालत आते थे ऐसे हर जमाने में पाए जाते थे इनको तहदीस कहा जाता है ये भी आसान है पाँचवें नंबर पर अंडरस्टैंडिंग है वो है इफ़ाम का अल्लाह तबरक तालहनों में फ़हम डाल देता है कुरान में आया है फम ना हम सलाइमान जब मामला जजमेंट के लिए सलामान के पास आया तो सलाइमान ने फहम के साथ काम लेते हुए सही जजमेंट दिया उलमा, दानिश्वर, मुफक्न स्कॉलर्स आप उनकी किताबों को पढ़िए तफसीरों को पढ़िए कितनी शानदार तरीक़े से वो बातों को समझा देते हैं अल्लाह ताला उनके जहन में वो बातें डाल देता है और वो बेहतरीन तफहीम कर देते हैं एक ही आयत की तफसीर आप अलग अलग तबसरों में पढ़ लीजिए आपको शानदार तरीके से इल्म का एक बहुत बड़ा ख़ीरा मिल जाएगा और हर मुफसर ने एक ख़ास अंदाज से समझाया है यह फहम अल्लाह ताला उनको देता है लेवल नंबर छः सात और आठ ये थोड़ा सा मुश्किल है वो ये है कि नबियों को रसूलों को अल्लाह ताला भेजता है कौमों के जहनों में भी अल्लाह ताला हिदायत डाल देता है कुरान में इसका ज़िक्र आया है क्या ने कौम सम को हलाक नहीं किया हिदायत देने के बाद अंधेपन को उन्होंने तरजीह दी यानी कौम को हिदायत देने का मतलब है कि कौम के जहन में ये बात आ गई कि ये बंदा सच्चा खुदा का नबी है खुदा का रसूल है इसका पैगाम सही है ये बात उनके समझ में आने के बावजूद उन्होंने फॉल्टी लीडर्स की इतबा की नफ्स की इतबा की और रसूल की बात का इनकार किया तब अल्लाह ताली ने उन्हें सायका में अजाब में पकड़ लिया ये जनरल एक्सप्लिकेशन है आम तौर पर अल्लाह ताला कौमों को समझा देता है ये नंबर छः हैं जो जनरल एक्सप्लीकेशन है नंबर सात स्पेशल एक्सप्लीकेशन वो है कि ख़ास बंदों को अल्लाह ताला ख़ास रहनुमाई कर देता है उनका जहन इस्लाम के लिए कभी खोल देता है ये उसका तरीक़ा है और आठवें नंबर पर अल्लाह ताला तस बंदों को उसके कलाम उसकी बातों को सुनने का मौका देता है आप कोई प्रोग्राम करते हैं इफ़ार पार्टी करते हैं आप ईद मिलन करते हैं काफ़ी लोग आपके प्रोग्राम में आते हैं आप तकरीर करते हैं वो लोग सुन लेते हैं तो अल्लाह ताली ये मौका देता है बाज लोगों को कि जाएँ और सुन लें उसका कलाम सुन लें उसकी बातें सुन लें सुनने का जो मौका देता है वो ख़ुद अल्लाह ताली की तरफ से हिदायत का एक तरीक़ा है ये आठवां तरीक़ा है नौवां तरीक़ा है इंस्पिरेशन यानी इल्हाम करना जिस तरह से हजरत मूसा की माँ के दिल में अल्लाह ने इल्हाम किया कि अपने बच्चे को समंदर के हवाले कर दो टोकरी में डालकर यह बात आसानी से समझ में आती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कई मरतबा इल्हाम करता है और दसवें दर्जे पर सही ख्वाब दिखाता है और रुया सदा सच्चे ख्वाब भी गोया कि अल्लाह ताली की तरफ़ से कम्यूनिकेशन है ये दस तरीक़ें अल्लाह ताली बंदों को समझाने के लिए हिदायत देने के लिए अपना पैगाम पहुंचाने के लिए उसमें तीन दर्जे नबियों के लिए रसूलों के लिए हैं उसके बाद दर्जा बदर्जा नीचे जैसे आप आएंगे तो वो कॉमन मैन के लिए भी अवेलेबल है एक्शन प्लान यह है कि हैव यू एवर फेल दैट ही गाइडेड यू एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या कभी आपको महसूस हुआ कि किसी जगह आपके दिल में कोई बात आई कोई अल्खा हुआ कोई इल्हाम हुआ आपके ज़रिए से कोई बात आपको समझ में आ गई ऐसा कभी हुआ हो तो नोट कीजिए नंबर दो बी वॉचफुल फॉर ए सटल गाइडेंस और हमेशा निगाह रखिए कि आइंदा भी जब कभी आपको हिदायत की ज़रूरत महसूस होगी अल्लाह ताला इल्खा करता है अल्लाह ताला जहन में बात डालता है अल्लाह ताला फहम देता है अल्लाह ताला बातों को समझा देता है उसकी तरफ़ हमारी निगाह होनी चाहिए हज़रात हजरा पहला मजमून है आज का दूसरा मजमून और मुबारक का की लेसन फिफ्टी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ हिज मर्सीज़ अल्लाह ताला अपनी रहमतों की तकसीम कैसे करता है इस पर हम बात करेंगे स्क्रीन पर सूर्य नंबर 43 आयत नंबर 32 से 35 को बताया गया है इसमें पहली आयत है अहम यकसिमुन रहमत अरबिक क्या ये अपने रब की रहमत की तकसीम की ज़िम्मेदारी ले रखे हैं न कसम ना बीन हम मीशत हम फ़िलहत दुनिया हम हैं कि दुनिया में लोगों की मीशत को तकसीम करते हैं वरफ़ाना नाबाज हम फोखबाजिंदराजात और बास के दर्जे बास पर हम बुलंद करते हैं लियत तज़ा बाम बाजन सुखुरिया ताकि एक दूसरे से काम ले सकें एक दूसरे की मदद कर सकें इसके लिए अल्लाह ताला ने तर्जात में फ़र्क रखा है वो रहमत और रबी का खैर उम्मा अजमाओं और ख़ुदा की रहमत उन सब चीज़ों से बेहतर है जिसे लोग जमा करते हैं इस आयत में असल में उस सवाल का जवाब दिया है जो कुफ़ार मशरकिन मक् के नबी करीम सल्ला व्म से करते थे या आप पर एतराज़ करते थे और वो कहते थे कि रसूल अगर बनाना था तो अल्लाह ताली को क्या कोई और नहीं मिला मक्के और ताइफ के बड़े सरदार नहीं मिले बड़े रईस नहीं मिले कि अल्लाह ताली नबूत उनकी तरफ़ भेजता क्यों इनको बना दिया अल्लाह ताली ने जो पैदाइशी यतीम थे तो अल्लाह तबर ने फरमाया कि नबूत तो बहुत बड़ी रहमत है ये तो बात की बात है लेकिन उससे पहले दुनिया की मीशत भी दुनिया में जो कुछ हम तकसीम करते हैं वो भी हमने तुम्हारी ज़िम्मे नहीं कर रखा है वो हमने अपने हाथ में रखा है हम जैसे चाहें लोगों के दरमियान उसे तकसीम करते हैं फिर अल्लाह तबरक ने और भी सवाल किए इस स्क्रीन पर आप देखिए कि अल्लाह ताली की हमत क्या है वो बिजनम क्या है वो ये कि अल्लाह तबरक ताल ने पूछा कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि लोगों के दरमियान अल्लाह के रहमत को तकसीम करो नबूवत एक बहुत बड़ी रहमत है उसकी तकसीम तो हमारे ही हाथ में है उससे नीचे की चीज़ें दुनिया की मीशत ये भी हमारे ही हाथ में है हम ही जिसे चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी को पावर अता करते हैं किसी को आनर अता करते हैं किसी को फेम किसी को वेल्थ किसी को गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें हमारी तकसीम है और हमारी हमत यह है कि हर आदमी को सब कुछ मिल जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए और एक ही आदमी को सारी नमतें मिल जाए ऐसा भी नहीं हो हम तकसीम करते हैं इसमें हमारी हमत है और हमत यह है कि कोई बंदा दुनिया में इंडिपेंडेंट महसूस न करे बल्कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप होना चाहिए यह हमत है मीशत की तकसीम में तुम देखते हो कि अल्लाह ताला किसी को नॉलेज देता है किसी को दौलत देता है किसी को खूबसूरत बनाता है किसी को बदसूरत बनाता है किसी को अच्छी आवाज़ देता है किसी को भोंडी आवाज़ देता है किसी को लहीम शहीम बना देता है किसी को नरम नाजुक बना देता है किसी को मालदार घराने में पैदा करता है किसी को गरीब घराने में पैदा करता है किसी को डेवलप नेशन में पैदा करता है किसी को अंडर डेवलप्ड नेशन में पैदा करता है किस्मत का एक हिस्सा वो जो फिक्स्ड है अल्लाह ताला ने तय कर दिया कि कहाँ पैदा होना है किस घर में पैदा होना है रंग क्या होगा और तालीमी होगी, खानदान की क्या होगी, ये सब अल्लाह ने फिक्स कर दिया फिर आजमाइश ये है कि इससे तुम अपनी दुनिया कैसे बनाते हो इससे तुम अपने अमाल को कैसे दुरुस्त करते हो वहाँ इख्तियार की आजादी है वहाँ तकदीर की आजादी है इंसान अपनी एक नई जहां बना सकता है यह हमारे ही हाथ में है कि तकदीर के एक हिस्से को हम फिक्स कर देते हैं कब से इन लोगों ने जो वर्थलेस कमोडिटीज हैं उनके बारे में समझ लिया कि अल्लाह ताला का इनाम है दुनिया में रईस बन जाना दौलतमंद बन जाना पैसे वाले हो जाना क्या यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरस रही और दुनिया में कोई आदमी अगर गरीब है यतीम है या सीर है तो क्या ये मतलब है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है तुमने कब से यह मफहूम निकाल लिया और तुम्हारा ये जो ख़्याल है कि मक्का और तायफ़ के जो बड़े सरदार हैं उनकी तरफ नबूवत भेजी जानी चाहिए थी तुम ये समझते हो कि दुनिया की दौलत की वजह से वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे नहीं कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए वक़ून उम्मतों वाहिदिबरहमानी लिबियूतिम सुफ़म व मार्हा यद हर बलिब्यूतिम अबवाबम व सुर अलैहा यद तक व ज़ुखरूफ़ा व इनकाली का लम्बा मतात दुनिया व आखिरत इंद रबी का लुलमुतिन कहा के हम चाहते तो हर काफिर के घर की चार चीज़ों को सोने के या चांदी के बना देते हमारे नज़दीक सोना और चांदी कोई अहम चीज़ नहीं है हम हर काफिर के घर को बना देते लेकिन इसमें अंदेशा था मोमिनों के लिए बड़ी आजमाइश हो जाती कुफर करने में अगर ये नेमतें मिलती तो सब कुफ्र की तरफ भागते इसलिए हमने मोमिनों को बड़ी आजमाइश में नहीं डाला इसलिए हमने काफिरों को ये चीज़ें नहीं दी वरना काफ़िरों के घरों की छतों को उनकी सीढ़ियों को उनके दरवाज़ों और दरीचों को उनके सोफ़ा सेट और सीटिंग की जितनी चीज़ें हैं उन सब को हम सोने के बना देते या चांदी के बना देते घर के ये चार अहम एलिमेंट्स होते हैं छत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ज्वाइनरीज यानी डोर विंडोज़ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेयर के उसका हैंड रेल उस पर मार्बल की जो है फ्लोरिंग आएगी या उडन टॉपिंग होगी ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है घर में सीढ़ी बनाते वक्त और चौथे नंबर पर घर फ्रिश होने के बाद इंसान सोफ़ा बनाता है फर्नीचर बनाता है उसकी अपहोल्स्ट्री का ख़्याल करता है और जितनी कॉस्टली अपहोल्स्ट्री होगी उतना वो फर्नीचर कॉस्टली होगा कहाँ के ये चारों चीज़ों को हम सोने के और चांदी के बना देते हमारे नज़दीक तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम इसे बहुत बड़ी चीज़ समझते हो तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तो हमारी हिकमत है हम तकसीम करते हैं दुनिया की मीशत दुनिया की चीज़ें हिकमत पर मबनी है किसी को दिया तो उसमें भी हिकमत किसी को नहीं दिया तो इसमें भी हमत किसी को अल्लाह नवाजा ये भी हमत पर मबनी है और किसी को अल्लाह ताला ने महरूम कर रखा ये भी उसकी हिकमत पर मबनी है और हजरात यह अल्लाह ताला की रहमत की तकसीम है उसकी हिकमत है आइए एक्शन प्लान देखते हैं आर यू हैप्पी अबाउट यू क्या आप अपने आप से खुश हैं बहुत बड़ा मसला ये है कि काउंसलिंग के वक्त मैंने अपने बास क्लाइंट्स को देखा वो कहती हैं कि काश अल्लाह ताला मुझे भी खूबसूरत बना देता तो मेरी भी शादी किसी ऐसे लड़के से होती जो अमेरिका या इंग्लैंड में जॉब कर रहा हो यानी यह कि अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया है उससे आप खुश नहीं ये मतलब है यह ना है अल्लाह को मालूम है कि किसी कैसे बनाना है और जो कुछ दिया अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए भलाई है इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं यह जुमला कहें आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ जैसा है कुछ मैं हूँ अल्लाह ने मुझे जैसे बनाया है अल्लाह ताला ने मुझे बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है बेशुमार खूबियों से नवाजा है अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर निगाह होनी चाहिए और ख़ामों ख़् इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करे आर यू हैप्पी अबाउट यू नंबर दो काउंट इज़ ब्लेसिंग्स ऑन यू अल्लाह की आप पर जो नमतें हुई हैं उसे गिन सकते हैं कभी गिन नहीं सकते इतनी नियमतें इतनी नियमतें गिन कर तो देखिए लिख कर तो देखिए अल्लाह ताली ने कितनी नेमतों से आपको नवाज़ा है नंबर तीन फाइंड आउट द हिकमा इफ़ यू आर डिप्राइवड ऑफ समथिंग अल्लाह ने कोई चीज़ आपको नहीं दी है आप चाहते थे कि बड़ी गाड़ी मिले आप चाहते थे कि खूबसूरत बंगला मिले आप कोई और चीज़ चाहते थे अल्लाह ने नहीं दिया नहीं दिया तो उसके पीछे कोई हमत है उस हमत को तलाश कीजिए और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए ख़वातीन हजरात आज के लिए ये दो मजामी पेश नज़र थे एक में अल्लाह ताला वही कैसे करता है हिदायत कैसे करता है अपने बंदों तक कम्युनिकेट कैसे करता है दूसरा अल्लाह ताला अपनी रहमत को कैसे तकसीम करता है इन दोनों मौजुआत पर हमने गुफ्तगू की है अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला की हिकमतों को समझने और जो कुछ उसने नवाज़ा है उसका शुक्र अदा करने की तोफ़ी ता फरमाए आमीन आखिर दावाना अनिलहमदुल्ल रबालमीन